हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ हर कोई खुश होंगे, स्वस्थ होंगे एंड तंदुरुस्त होंगे। फ्रेंड्स, आप क्या आपके लाइफ में फाइनेंशियल मनी अर्न करना चाहते हैं? अगर हाँ आप अर्न करना चाहते हैं तो मनी का कुछ प्रिंसिपल होता है, मनी का कुछ रूल होता है और चीज़ों को आपको फॉलो करना जरूरी है। जब तक और चीज़ों को आप फॉलो नहीं करेंगे मनी आपके पास नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो लिमिटेड थिंग्स में आएगा भी तो ज़्यादा टाइम रुकेगा नहीं। अगर आप सोच रहे हैं आप मनी आपके पास आए एंड ज़्यादा टाइम रुके, आप रिच बने लाइफ में, तो वो प्रिंसिपल को आपको फॉलो करना जरूरी है। फर्स्ट प्रिंसिपल कहता है पे टू योरसेल्फ। आप खुद के ऊपर पे करना जरूरी है। खुद को ऊपर पे करने का मतलब क्या है? यू कैन बाय ए बुक। आपको कुछ लर्निंग लेना जरूरी है, आपको कुछ सीखना जरूरी है। जब तक सीखेंगे नहीं मनी कैसे वर्क करता है, मनी को कैसे फॉलो करना जरूरी है, वो सारा चीज़ मनी आपके पास नहीं आएगा। एंड वो चीज़ आप सीखेंगे कहाँ से? यू कैन लर्न फ्रॉम बुक। आप बुक खरीद के सीख सकते हैं, आप वेबिनार अटेंड कर ज्वाइन कर सकते हैं, सेमिनार अटेंड कर सकते हैं और कि दूसरे से सीख सकते हैं, कहाँ से भी। बट यू मस्ट लर्न एंड यू मस्ट स्पेंड सम टाइम विद योर सेल्फ। आप खुद के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना जरूरी है, आप बुक के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना जरूरी है। पे टू योर सेल्फ, मनी पे कर सकते हैं, मनी के साथ आपको टाइम पे करना जरूरी है, बट यू मस्ट पे टू योर सेल्फ। सेकेंड थिंग्स, गिव एवरी डॉलर ए जॉब। आप जब कुछ भी पे कर रहे हैं इट विल बी ट्रीट लाइक ए जॉब। आप किसी को अगर जॉब देते हैं तो क्या करते हैं? इट विल बी टेक द वर्क, उससे आप काम लेते हैं ना। तो सेम थिंग्स, अगर आप कहाँ पे भी मनी स्पेंड कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यू मस्ट ऑल्सो टेक लाइक दिस। उससे आप इतना अमाउंट ऑफ मनी आपको लेना जरूरी है। सपोज यू विल बी बाय ए बुक, आप एक बुक खरीद कर लिए, तो वो बुक को आपको कंप्लीट करना भी जरूरी है और चीज़ को आप इम्प्लीमेंट करना भी जरूरी है। देन इट विल बी गिव एवरी डॉलर ए जॉब। डोंट बी स्लाव टू मनी। मनी को कभी भी स्लाव नहीं बनाना है आपको आपका लाइफ में। आप हमेशा ऊपर में होना है एंड इट विल बी मनी, इट विल बी लर्न अबाउट द मनी। मनी कैसे आ सकता है लाइफ में, मनी को कैसे फॉलो करना जरूरी है और चीज़ आपको सीखना जरूरी है। डोंट बी स्लाव टू मनी। कीप योर फाइनेंसेस ऑर्गेनाइज। आपको आपका फाइनेंशियल लाइफ के लिए आपको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना जरूरी है। जब तक प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, प्रॉपरली प्लान नहीं करेंगे, मनी आपके पास ज़्यादा टाइम रहेगा नहीं। अगर आएगा तो ज़्यादा टाइम रहेगा नहीं। तो यू मस्ट हैव द ऑर्गेनाइज अबाउट द मनी, यू मस्ट हैव द प्लान अबाउट द मनी। लर्न हाउ टू इन्वेस्ट। आपको सीखना जरूरी है और मनी को कैसे इन्वेस्ट किया जाता है लाइफ में, वो कैसे पीपल के, अगर आप प्रॉपरली मनी को इन्वेस्ट करेंगे तो मनी इट विल बी वर्क फॉर द पीपल। मनी लोगों के लाइफ में काम करता है। अगर आप भी प्रॉपरली इन्वेस्ट करेंगे तो मनी आपके लिए काम कर सकता है। तो यू मस्ट लर्न हाउ टू इन्वेस्ट मनी अबाउट इन योर लाइफ। आपका लाइफ में कैसे मनी को प्रॉपरली इन्वेस्ट करें और चीज़ आपको सीखना जरूरी है। स्पेंड लेस देन यू अर्न। आप जितना भी अर्न कर रहे हैं उसे लेस स्पेंड करना जरूरी है। अगर उसे आप ज़्यादा स्पेंड करेंगे तो आपके पास कभी भी मनी रहेगा नहीं एंड यू विल बी नेवर गेट फ्रीडम, नेवर गेट रिच इन योर लाइफ। आप लाइफ में कभी भी रिच नहीं बन पाएंगे। ऑलवेज एक्सपेंस लेस कंपेयर टू योर इनकम। आपका इनकम से हमेशा खर्चा कम करना है आपको। दिस इज द रूल प्रिंसिपल ऑफ द मनी। और प्रिंसिपल को अगर फॉलो करेंगे लाइफ में तो मनी आपके लाइफ में आएगा भी, मनी आपके पास रहेगा भी एंड यू विल बी गेट रिच अबाउट इन योर लाइफ, यू विल बी गेट फाइनेंशियल फ्रीडम अबाउट इन योर लाइफ। हैव ए प्लान। आपके पास प्लान जरूरी है। जब तक आपके पास प्लान नहीं होगा तो आप चीज़ों को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे एंड दैट थिंग्स इट विल बी नॉट वर्क अबाउट इन योर लाइफ। आपका लाइफ में वो काम नहीं करेगा। तो यू मस्ट हैव द प्लान। क्या चीज़ करना है, कैसे करना है, काम कब तक करना है, कैसे चीज़ों को अचीव करना है, दिस इज द प्लान अबाउट इन योर लाइफ, अबाउट इन आवर लाइफ। यू मस्ट सेट ए गोल। अनदर पॉइंट, सेट ए गोल अबाउट इन योर लाइफ। मनी को लेके आपको गोल सेट करना जरूरी है। आप कितना अमाउंट ऑफ मनी अर्न करना चाहते हैं, आप कब तक अर्न करना चाहते हैं, आप कैसे अर्न करेंगे उस चीज़ों को। सो यू मस्ट हैव द प्लान, हैव फर्स्ट थिंग्स प्लान एंड सेकेंड थिंग्स यू मस्ट हैव द गोल। आपके पास गोल होना जरूरी है, देन मनी इट विल बी वर्क फॉर यू। मेक मनी वर्क फॉर यू।
आपको मोनी को ऐसे बिल्ड करना है जैसे मोनी आपके लिए काम करे। वट एवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ डजेंट मैटर्स बट मोनी इट विल बी वर्क फॉर यू। आप ऐसा क्या करें यू विल बी थिंक टू योर सेल्फ मोनी आपके लिए काम करे। मोनी प्रॉपरली यू विल बी इन्वेस्ट ऑन प्रॉपर मैनर। आपको प्रॉपर मैनर में इन्वेस्ट करके आप अर्न कर सकते हैं बट यू मस्ट डू समथिंग मोनी इट विल बी वर्क फॉर यू। ऑलवेज हैव एन एमरजेंसी फंड। आपके पास एमरजेंसी फंड होना जरूरी है। जब तक आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं होगा तो वट एवर इमरजेंसी इट विल बी कम इन योर लाइफ यू विल बी टेक मनी फ्रॉम योर रेगुलर इनकम और इट विल बी मेन फंड। मेन फंड से आपको मनी निकलना पड़ेगा। कब तक निकलते जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। सो यू मस्ट हैव द इमरजेंसी फंड अबाउट इन योर लाइफ। कुछ भी इमरजेंसी आ सकता है तभी वो फंड को आप यूज कर सकते हैं। लर्न हाउ टू मेक मनी पैसिवली। आपको सीखना पड़ेगा मनी को आप पैसिवली कैसे अर्न कर पाए। पैसिवली अर्न करने का मतलब होता है आपको सोते हुए मनी अर्न इनकम आना जरूरी है। जब तक आप सोते हुए अर्न करने का प्रोसेस बिल्ड नहीं किया है लाइफ में एंड तक आपको वर्क करना करते रहना पड़ेगा तो आपके आप लाइफ का एंड तक वर्क नहीं कर पाएंगे बिकॉज यू विल बी नॉट गेट दैट मच एनर्जी ऑन द एंड ऑफ द मूवमेंट अबाउट इन योर लाइफ। लाइफ का एंड में आपके पास इतना एनर्जी नहीं होगा इतना टाइम नहीं होगा कि आप चीज़ों को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर पाए। एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम आप हमेशा कर पाए तो यू मस्ट हैव द फॉलो द पैसिव सोर्स ऑफ इनकम अबाउट इन योर लाइफ। सो दिस इज द सम प्रिंसिपल अबाउट द मनी। अगर आप भी लाइफ में मनी को अर्न करना चाहते हैं लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं लाइफ में रिच बनना चाहते हैं तो यू मस्ट फॉलो दी स्ट्रेटजी अबाउट इन योर लाइफ। आपका लाइफ में और सारा स्ट्रेटजी आपको फॉलो करना जरूरी है। सो इट विल बी मेक यू रिचर एंड यू विल बी गेट द फाइनेंशियल फ्रीडम अबाउट इन योर लाइफ। फॉलो दिस प्रिंसिपल्स एंड गेट फाइनेंशियल फ्रीडम अबाउट इन योर लाइफ। सो थैंक यू टू एवरीवन जॉइन विद अस।